अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से ही, जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों में जुट चुका है। वैदिक आचार्य के द्वारा संपन्न होगा अनुष्ठान, अयोध्या काशी के वैदिक आचार्य अनुष्ठान करेंगे। कहां वैदिक अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, क्या कुछ विशेष हमें देखने को मिलेगा, तमाम बातों की जानकारी लेंगे। विभांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हर एक भारतीय को है, हर एक सनातनी को है, और लगातार जो है प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से हो उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर देखी जा रही है कि वैदिक आचार्य द्वारा अनुष्ठान की यहाँ पर बात बताई जा रही है, किस प्रकार से अनुष्ठान होगा और कितने दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी। बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर का कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है और कार्य लगभग 95% संपन्न हो चुका है। अब अगर बात की जाए तो फाइनल टचअप दिया जा रहा है। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर भारत उपमहाद्वीप और साथ ही साथ सनातन को मानने वाले विश्व में जहां लोग हैं उनकी निगाहें बनी हुई है, उनकी उत्सुकता है कि भगवान श्री राम त्रेता युग के बाद कलयुग में एक बार फिर अयोध्या लौटेंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में इस तमाम कार्यक्रम करने को लेकर संस्कृति विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, निर्देश दिया गया है कि रामचरित मानस साथ ही साथ रामलीला का मंचन किया जाएगा और पूरा प्रदेश जहाँ एक तरह से राममय है, पूरा देश राममय है। उसी क्रम में आपको बता दें कि 17 जनवरी को अयोध्या के अंदर में रामलला की एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 18 जनवरी से अयोध्या के अंदर में पूजा अर्चना और साथ ही साथ अनुष्ठान के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें देश के प्रधानमंत्री साथ ही साथ तमाम बड़े विभूति आ रहे हैं इस ऐतिहासिक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो विश्व भर से जो तमाम सनातनी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर में आएंगे। साथ ही जो तमाम आचार्य है, साथ ही साथ वैदिक आचार्य है, महात्मा है, साधु है, वो भी मंत्र उच्चारण करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग कोनों से, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रदेश हैं वहां से तमाम धर्माचार्य आ रहे हैं और वैदिक उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मंत्र पढ़े जाएंगे, जिसके बाद से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू होंगे। और 17 तारीख से आपको बता दें कि शोभा यात्रा के बाद से 18 तारीख से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में लोग देखते हुए नजर आएंगे ऑनलाइन माध्यम से, साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में लोग ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि देश के तमाम बड़े धर्माचार्य, चाहे बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र के हो, वो सभी एकत्रित होंगे अयोध्या के अंदर में। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और बात करें तो अयोध्या के अंदर में अयोध्या के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट का भी शुभारंभ होना है और उत्तर प्रदेश का ये 4th एयरपोर्ट होगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तैयारियां यहां पर अंतिम चरण में है और जो है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भव्य आयोजन हमें देखने को मिलेगा, उसको लेकर तैयारियां भी भव्य रूप से की जा रही है। एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ विभांशु, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से।